हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास में अपन लोगों ने सिलेबस को देखा था, और सिलेबस को देखने के बाद उस सिलेबस का ब्रेकडाउन किया था, और ब्रेकडाउन करने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव वे में सिलेबस को देखा था। सिलेबस को देखने के बाद फिर अपन लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर थे उनको देखा था, और उनको देखने के बाद मैंने आपसे कहा था कि आप पिछले साल के क्वेश्चंस जो भी आए हैं उनका ट्रेंड देखकर आप तैयारी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, एग्जामिनर मुझसे किस प्रकार के सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है। मैं उन्हीं पिलर्स पे, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दूं और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाऊं। तो अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, आपने दिमाग लगाया कि नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना, वो सब आपको पता होगा। और मैंने भी जो है सिलेबस को देखने के बाद, क्वेश्चन पैटर्न को देखने के बाद, क्वेश्चंस को देखने के बाद उस सेशन को कंक्लूड नहीं किया था, वहीं पे छोड़ दिया था, जिससे कि आप भी अपना दिमाग लगा सको। भाई अगर मैं सारी चीजें आपको करके दे दूंगा फिर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? आपको भी तो समझना चाहिए कि एग्जाम ट्रेंड क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो आपसे क्या चाह रहा है कि आपकी नॉलेज कितनी हो, किस फील्ड में कितनी हो, किस टॉपिक को आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है। तो आपने देखा होगा, बाकी मैं उस सेशन को आज जो है कंक्लूड किए देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से जो है समझ पाए। तो हमें यहाँ पे जो है ये जो पिलर्स हैं इन पे काम करने की आवश्यकता है। नंबर एक, हमें इकोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट जो भी होते हैं, इकोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट क्या है, इंडिविजुअल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के बाद आपका जो है इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, वो सब। और यहाँ पे फिर डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका जो है उस इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसमें ग्रोथ क्या है, रेगुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब। उसके बाद अपना उसी में जो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को पढ़ेंगे अपन लोग। जैव विविधता क्या होती है? भाई जैव विविधता है कि कितने प्रकार की स्पीसीज जो है मिल रही हैं, उनमें से कौन सी स्पीसीज का स्टेटस क्या है, कौन सी संकट है, संकट में है, कौन सी विलुप्त हो गई है, कौन सी नियर थ्रेट थ्रेटेंड है, संकट से ग्रस्त होने वाली है, वो सब। तो उन सबको जो है यहाँ पे देखेंगे। फिर उसमें लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसमें जो है इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण और उसका महत्व क्या है। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से खतरे हैं उसके बारे में। फिर अब पिलर सी में हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस में जो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखेंगे, पर्यावरण के घटक, और नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट उसको देखेंगे। फिर उसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में अपन लोग जो है एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल, नॉइज, ये सब देखेंगे, और पोल्यूशन को देखने के बाद उनका कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है उसको भी देखेंगे। उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की आज की समस्या से आज पूरा विश्व जो है ग्रसित है। तो जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, क्या इम्पैक्ट है उसके, और इसकी जो है मिटिगेशन स्ट्रेटीज, उससे किस प्रकार से निपट सकते हैं। उसके बाद में ग्रीन हाउस गैसेस को देखेंगे क्या है और उनका रोल क्या है, और क्लाइमेट चेंज पे उनका इम्पैक्ट क्या है, उनका प्रभाव क्या है जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके जो है मिटिगेशन देखेंगे और अडेप्टेशन स्टडीज। फिर इसी में पिलर सी में जो है कंजर्वेशन वाला पैटर्न, जिसे हम अपन लोग आज से शुरू करेंगे। और आपने पिछले साल के क्वेश्चंस जो है देखे थे तो आपने देखा था कि इस कंजर्वेशन वाले पिलर से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पर ईयर आ रहे हैं, पर ईयर। तो इस पे आप बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और 90% से ज्यादा लोग यही आके फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये हैवी इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है। कंजर्वेशन में अपन लोग जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व,
एलिफेंट रिजर्व और अपना जो है वेटलैंड, वो सब देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, क्योंकि हमें नेशनल पार्क भी याद करने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद करनी है, टाइगर रिजर्व भी याद करने हैं, एलिफेंट रिजर्व देखने हैं, वेटलैंड को भी देखना है, और वहाँ पे मिलने वाला जो 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 फ्लोरा फोना है उसको भी देखना है। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन देखना है, प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया में आपके ये जो भी है नेशनल पार्क, ये एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड, वो सब आ रहे हैं, उनको देखना है। तो बेसिकली अपन लोग जो है नेशनल पार्क से शुरू करेंगे, अर्थात कंजर्वेशन वाले पिलर से शुरू करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले देखेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज को, क्योंकि अपन लोग अभी जो है फ्रेश माइंड से हैं, तो 5-6 क्लास इसकी होंगी, तो यहाँ पे जो भी हैवी इंफॉर्मेशन अभी के लिए होगी वो सबको जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे, पर आगे तो आसानी आसानी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो व्यक्ति इन 5-6 क्लास को झेल ले गया, 5 से 6 क्लासेज होने वाली है, इनको झेल गया, समझ लो बस पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी उसका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आगे तो इतनी हैवी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस समझने वाली चीजें हैं, कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट डाउन करने होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया वाले टॉपिक में आपको कम से कम 500 इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होंगी, ये 500 इन्फॉर्मेशन याद भी करनी होंगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ी समस्या होगी, इसके बाद फिर तो आसान ही है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं उसको देखेंगे, उसको देखने के बाद फिर अपना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जिसे कहते हैं, लगातार होने वाला विकास, ऐसा विकास जो हमेशा बना रहे, ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट की वजह से हमने जो है ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन जैसी समस्याएं जो है खड़ी कर ली हैं, फिर अपन लोग जो है बीच में फंसे हुए हैं, भाई जीभ बाहर आ गई इंसान की, इतना पोल्यूशन अपन लोगों ने कर दिया जिससे समस्याएं समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो हमें ऐसा विकास करना है जो लगातार बना रहे, ऐसा ना हो कि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन उन सब की वजह से हमारी विकास की गाड़ी ही रुक जाए, विकास की गाड़ी रुक गई फिर क्या। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है इसका और गोल्स क्या हैं और टेक्नोलॉजी का रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसको देखेंगे। फिर उसी में जो है इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज को देखेंगे और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसको देखेंगे। इससे जो है मेंस में सवाल आते हैं, लगभग 1-2 साल में सवाल आ ही जाता है इससे, और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ एक टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, और ये आपका जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स, जैसे कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, नगोया प्रोटोकॉल हो गया, और आपका मॉन्ट्रियल हो गया यहाँ पे, तो उन सबको जो है, और उसमें जो कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल लॉ है उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को, और वाटर एक्ट 1974, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन सबको देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया जो है एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से कि हमें कहाँ से अब क्या पढ़ना है। अब आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं कंजर्वेशन वाला पैटर्न, कौन ना कौन सा कंजर्वेशन वाला पैटर्न। कंजर्वेशन बेसिकली संरक्षण, तो सर हमें संरक्षण किस चीज का करना है, तो मैं कहूंगा कि आपको संरक्षण करना है फ्लोरा एंड फौना का, फ्लोरा एंड द फौना का। ये क्या है सर फ्लोरा एंड फौना, तो मैं कहूं तो कि आपको जीव और वनस्पति, क्या जीव और वनस्पति इन दो का कंजर्वेशन करना है। सर इन दो का कंजर्वेशन क्यों करना है, आपको पता है वनस्पति का, तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपकी जीभ बाहर आ जाएगी भाई, लंबे लंबे हो लेंगे आप। तो वनस्पति का तो कंजर्वेशन हमें इसलिए करना है क्योंकि मनुष्य का एग्जिस्टेंस बना रहे, उसे प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह की जो है आपूर्ति होती रहे। अब जीव का पेट कंजर्वेशन हमें क्यों करना है, तो आपने सुना होगा फूड चेन, क्योंकि आपको पता है भाई अपन लोग जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, भाई पेड़ पौधों से आ रहा है,
एग्रीकल्चर से आ रहा है ना, खेती से आ रहा है, जो भी आप मान लो गेहूं मान लो, बाजरा मान लो, चावल मान लो, कोई भी मान लो, तो अपना भरण पोषण करने के लिए। और कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो जो है मछली खा लूंगा, नॉन वेज खा लूंगा, तो भाई नॉन वेज भी तो एक तरह से जीव ही है, तो उसका भी आपको जो है कंजर्वेशन करना होगा, प्लस वनस्पति, क्योंकि जो है गेहूं बाजरा जो चावल पेड़ पौधे जो भी हैं सबका यूज है अपने लिए। तो अपन लोगों को अगर अपना एक्सिस्टेंस बनाए रखना है, अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण तो करना ही होगा। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, एक डायग्राम मैंने ले लिया, यहाँ पे ये जो आपका जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये अपनी एक फूड चेन बन रही है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको, ये इसको। तो अगर मैं इनमें से मान लो कि ये मेंढक जो है, ये मेंढक आपका जो है खतरे में आ गया, तो सांप तो भाई भूखा बैठा है, फिर इसे खाने के लिए फिर कहां से मिलेगा। तो अगर मान लो ये मेंढक पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, तो सांप भूखों मर जाएगा, जब सांप मर जाएगा तो इसको खाने वाला भी खतरे में आ जाएगा, ये भी मर जाएगा, और ये जो है इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि फिर जो है ये संभाले नहीं संभलेंगे, ये कहेंगे भैया आपकी बार मेरी सरकार, फिर कैसे करोगे। या यहाँ पे आ जाओ, ये कैरेट, ये कोई वनस्पति है, इसको खा रहा है खरगोश। अब मान लो कि ये कैरेट समाप्त हो गई, ये वनस्पति समाप्त हो गई, खरगोश भूखों मर जाएगा, ये मर जाएगा तो ये भी मर जाएगा, क्योंकि ये इसको खा के ही अपना पेट भरता है। अब ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ये इसको खा के अपना पेट भरता है। तो अब एक फूड चेन में किसी एक के खतरे में आने से बाकी स्पीशीज भी किस प्रकार से खतरे में आ रही हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अगर मुझे इन सबका जो है जीवन सस्टेन करना है, इन सबका अस्तित्व बना रहे, तो इनमें से अगर किसी के भी ऊपर खतरा आएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसे बचाने की, क्योंकि अगर एक गया इनमें से कोई रोबोट, ये आपका रैबिट है मान लो, ये गायब हुआ तो ये भी गायब होना है, ये भी गायब होना है, फिर तो पूरी पृथ्वी पे जो है हाहाकार मच जाएगा भाई। ऐसे ही यहाँ मान लो इनमें से इसे कर दो गायब, भाई ये मर जाएगा, इसको भी कोई खाने वाला रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो इस फूड चेन को, इस चेन को बरकरार बनाए रखने के लिए मुझे आवश्यक है कि ये जो भी फ्लोरा फौना है उन सबका एक्सिस्टेंस जो है बना रहे। प्रकृति ने अपने लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, जैसी व्यवस्थाएं की हैं वो लगातार बनी रहे, सतत चलती रहे, ऐसा ना हो कि बस इनमें से कोई एक जो है गायब हुआ और बाकी इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म है, और ये पूरी पृथ्वी पे यही यही है बस, कुछ और दिख ही नहीं रहा तो मैं इनके सिवाय, फिर तो भाई बहुत समस्या हो जाएगी। या ये मान लो एक डायग्राम और देख लो, ये वाला, तो अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये सब, ये फूड वेब है, ये फूड चेन नहीं है, ये फूड वेब है, और एक्चुअल में जो है पृथ्वी पे फूड चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो फूड चेन है यहाँ पे आपने अभी देखी, ये फूड चेन है और ये फूड वेब है, तो ये फूड चेन जो है एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि चूहा केवल इसी को खाने वाला है क्या, सांप केवल चूहे को खाने वाला है क्या, सांप तो जो है चूहा मिल गया इसको खा जाएगा, मेंढक मिल गया उसको खा जाएगा, या कोई और ऐसा जीव मिल गया जिससे इसका पेट भरता हो ये उसको खा जाएगा। तो अपनी अर्थ पे, अपनी पृथ्वी पे एक्चुअल में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, बट समझाने के लिए बता दिया है कि हाँ ये जो है इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, जबकि फूड चेन जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। सांप को चूहा मिल गया, चूहा खा लिया उसको, मेंढक मिल गया, मेंढक खा लिया, कोई और छोटा जीव मिल गया उसको खा लिया, जिन जिन को ये खा सकता है वो सबको खा लेगा। तो ये फूड वेब बन रहा है न कि फूड चेन। तो फूड चेन तो अपन लोगों के समझने के लिए है। अब ये फूड वेब में से किसी एक दो को निकाल दो, ये मान लो तुम्हारी गिलहरी गई, गिलहरी इसको खा रही थी, गिलहरी को ये भी खा रहा था, ये भी खा रहा था, ये भी खा रहा था, तो इन तीनों की लाइफ में कुछ तो जो है इम्पेक्ट होगा इसके, इनका भोजन न होने से ये खतरे में आ जाएंगे भाई। तो खतरे में आ जाएंगे तो हमें इसी तरीके से पूरे
प्रकृति ने जो व्यवस्था दी है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम फ्लोरा और फौना का संरक्षण करें। तो भैया अब ये तो आपने बता दिया, चलो ठीक है, इनका हमें संरक्षण करना है, लेकिन संरक्षण में कैसे करूं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन खतरे में आ गया? मैं क्या रोज टॉर्च लेके अपनी इनको ढूंढने जाऊंगा क्या? तो भैया तुम बताओ, तुम ठीक ठाक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारे और भाई बहन है वो कैसे हैं? कोई संकट में तो नहीं है? ये तो पूछने में नहीं जाऊंगा। भाई साहब तुम थे सुबह, तुमने उठाई साइकिल, मुंह बनाया, मूंछों पे जो है ताप दिया तुमने, और तुम जो है चल दिए साइकिल लेके निकल गए। अब तुम ढूंढ रहे हो भाई कि जो है कौन सी वनस्पति जो है खतरे में है, कौन सा जीव खतरे में आ गया। अब ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? तो भाई इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था हो। तो इसके लिए व्यवस्था है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि तुम ये सब हड़क छोड़ो, वो सब मैं देख लूंगा, बस तुम मेरी कही हुई बातों पे ध्यान दो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये फुल फॉर्म आप याद कर लो। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद कर लो जो है 1948, जो है कितना 1948। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ये वही याद कर लो। तो ये जो IUCN है, इसने कहा तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हें व्यवस्था बना के दूंगा, मैं बताऊंगा कि कौन सी वनस्पति या कौन से जीव जो है खतरे में है। फिर आप जो जीव जो है, जो जीव है, जो वनस्पति है, जिस एरिए में रह रही है, आप पूरे एरिए को प्रोटेक्ट कर लेना, या फिर आप उस पर्टिकुलर वनस्पति को जो है प्रोटेक्ट कर लेना, या आप उस पर्टिकुलर स्पीशीज जो जीव है उसको प्रोटेक्ट कर लेना। तो ये जो संरक्षण वाली लिस्ट है, जो प्रोटेक्शन वाली लिस्ट है, ये हमको प्रोवाइड करवाता है IUCN। IUCN का कार्य क्या है पता हो गया? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वैश्विक स्तर पर है, ये किसी देश की नहीं है, बहुत से देश और जो है NGO इसके मेंबर हैं। और ये जो IUCN है ना, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये खुद अपने आप में एक NGO है, ये खुद अपने आप में एक NGO है। तो इसका कार्य क्या है? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये इस क्षेत्र में कार्य करता है कि किस प्रकार से प्रकृति का संरक्षण हो सके, प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनका संरक्षण हो सके, और जो है जीवन इसका, वनस्पतियों का और जीवों का जीवन ऐसे ही लगातार जो है सस्टेन बना रहे, उसके लिए ये कार्य करता है। और जो भी इसके लोग हैं, जैसे भी ये अपना जो है डेटा इकट्ठा करते हैं और प्रत्येक देश को बता देते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ पे ये फलानी फलानी स्पीशीज जो है खतरे में है, इसको बचाओ भाई। तो फिर जो पर्टिकुलर देश होता है, फिर उस हिसाब से अपना जो है एक्शन लेता है, और उसको बचाने के लिए जो भी प्रावधान होते हैं वो लोग करते हैं। तो अब ये जो IUCN है, ये इतनी थीम्स पे काम करता है, इसकी ये कुछ थीम्स हैं, वेनिस एंड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज पे, इकोसिस्टम मैनेजमेंट पे, इन्वायरमेंटल लॉ पे, फॉरेस्ट पे, जेंडर पे, ग्लोबल पॉलिसी, गवर्नेंस एंड राइट्स, मरीन एंड पोलर, नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशंस, प्रोटेक्टेड एरियाज, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, स्पीसीज, वाटर और वर्ल्ड हेरिटेज। तो हमें फिलहाल जो है यहाँ से शुरू करना है, स्पीसीज और आपका जो है प्रोटेक्टेड एरियाज, ये हमें जो है एक लिस्ट बना के देगा कि भैया ये लिस्ट है तुम्हारे यहाँ पे, ये जो है प्रजाति खतरे में है, इनको बचाने का आप काम करिए। तो ये लिस्ट अपनी किस आधार पे बनाता है, ये भी तो भाई हमें पता होना चाहिए, लेकिन लिस्ट किस आधार पे बनाता है ये बताने से पहले आप इसको एक बार अच्छे से और देख लो, क्योंकि हमें दिक्कत ना हो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको याद कर लो। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948, गैर सरकारी संगठन है ये, NGO है, NGO,
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसके जो मेंबर हैं, मेंबरशिप ऑफ ओवर 1400 गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर हैं वो 1400 मेंबर हैं इसके, इसमें कुछ गवर्नमेंटल और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सम्मिलित हैं। और ये IUCN से UN का कोई संबंध नहीं है, लिख के रख लो भैया, इसमें U यहाँ पे आ गया, N यहाँ पे आ गया, आपने कहा चलो UN से इसका संबंध होगा, कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। हाँ इतना है कि संयुक्त राष्ट्र जो आपका जो UN है, उस UN में ये पर्यवेक्षक और परामर्शदाता का दर्जा रखता है, ये वहां पे जाके जो है अपना परामर्श दे सकता है, मीटिंग में भाग ले सकता है, बट वोट नहीं कर सकता, ये वोट नहीं दे पाएगा क्योंकि ये UN का मेंबर नहीं है, ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना है। और यहाँ पे देखो ये एक तो वर्ल्ड वाइड फंड आगे आएगा, बताएंगे क्या है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, इसको बनाने में, और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र, इन दोनों संस्थाओं को के बनाने में इसका अहम योगदान है, इसका योगदान है किसका, IUCN का। कौन कौन से, WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर और विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इन दोनों के बनाने में इसका अहम योगदान है। तो तुमसे कल पूछ ले कि WWF को बनाने में किसका योगदान है, कह देना तुरंत IUCN। और ये आपका विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र, इसका भी योगदान है IUCN का, ठीक है। और IUCN इन इंडिया में, इंडिया में इसका रोल क्या है, तो इंडिया जो है एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो बहुत बहुत भिन्न है, क्योंकि आपको पता है उत्तर में यहाँ पे हिमालय रेंज है तो यहाँ पे जो है ठंडा प्रदेश है, राजस्थान में यहाँ पे मरुस्थल है तो आपको पता है यहाँ पे रेतीला और गर्म प्रदेश है, यहाँ पे आपका जो है वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन मिल रहा है, पर्वत भी हैं बट वो उतने ऊंचे नहीं है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे प्लेट्यू वगैरह हैं, और ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, तो ये बहुत ही मेगा डाइवर्स देश है। तो यहाँ पे जो है जमीन तो इसके पास, भारत के पास पूरे विश्व की कुल 2.4% एरिया है, बस पूरे विश्व की जितनी लैंडमास है उस लैंडमास का 2.4% इसके पास एरिया है, बट इसके पास जो स्पीसीज है, जो जैव विविधता है, वो 7-8% लिए हुए बैठा है, कितनी 7-8% जैव विविधता को लिए हुए बैठा है। इसमें से यहाँ पे 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, पौधों की 45,000 प्रजातियां हैं, और 91,000 प्रजातियां एनिमल्स की हैं, कितनी 91,000 प्रजातियां एनिमल्स की हैं। तो ये इंडिया में जो है, और इंडिया इसका मेंबर जो है, स्टेट मेंबर बना था IUCN का 1969 में, याद कर लो भाई, इंडिया IUCN का मेंबर 1969 में बना था, क्लियर। अब आपका ये जो है, तो IUCN करता क्या है कि IUCN ने जो है कुछ एक कैटेगरीज बनाई हुई है, क्या बनाई हुई है, अब कैटेगरी बनाई हुई है, उन कैटेगरी के हिसाब से जो है ये बताता है कि कौन किस लेवल के संरक्षण की जरूरत है, किसको किस लेवल के संरक्षण की जरूरत है। तो यहाँ पे ये इसने जो है 6 कैटेगरी आपको दे दी, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में स्ट्रक्चर स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, और हमें ये समझ लेना है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रेस्ट्रिक्शन लेवल कम हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन लेवल कम हो रहा है, कम हो रहा है रेस्ट्रिक्शन लेवल, जो ज्यादा ऊपर रहेगा उसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होंगे। रेस्ट्रिक्शन क्या भाई, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानव की जो गतिविधि है वो ऊपर से नीचे के आने पर बढ़ जाएंगी, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है बहुत कम होगा, ना के बराबर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस से मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन लेवल,
मतलब आदमी उतना रेस्ट वहां पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, मनुष्य वहां पे उतनी गतिविधि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मनुष्य कुछ एक गतिविधि कर सकता है, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे भी कम यहाँ पे, और यहाँ पे आके बिल्कुल कम। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है से मेरा मतलब है रेस्ट्रिक्शन लेवल से। तो रेस्ट्रिक्शन लेवल अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो रेस्ट्रिक्शन लेवल कम होता जाएगा, अगर नीचे से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो रेस्ट्रिक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। और रेस्ट्रिक्शन लेवल मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस से मतलब है मानव गतिविधियों से। यहाँ पे मानव गतिविधि ज्यादा होंगी लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा कम होती जाएंगी। तो अब जो है इसको समझ लो। अब फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूंगा आप कैटेगरी दो को समझ लीजिए, क्योंकि अपन लोग यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो कैटेगरी टू में क्या है, नेशनल पार्क आ रहे हैं अपने, और नेशनल पार्क केवल इंडिया के लिए नहीं है, इसने ये कैटेगरी पूरे वर्ल्ड वाइड बनाई है, पूरे वर्ल्ड के लिए इसने ये कैटेगरी बनाई है। भैया अगर तुम जो है कैटेगरी टू में आ रहे हो तो वहां पे नेशनल पार्क बनाओ और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है मिनिमम करो, वहां पे ज्यादा मनुष्य की गतिविधियां नहीं चाहिए। उसके बाद कैटेगरी थ्री में है प्राकृतिक स्मारक, नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर्स, जैसे आपने सुना होगा कंचनजंगा, कंचनजंगा इसी कैटेगरी में है, कंचनजंगा इस कैटेगरी में है। और आपकी जो है कैटेगरी फोर, इसमें आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। क्या आती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी फोर में आ रही है जबकि नेशनल पार्क कैटेगरी टू में आ रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन लेवल किसमें ज्यादा होगा? भैया नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शन लेवल ज्यादा होगा, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेशनल पार्क की तुलना में इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा कम। ठीक है, नेशनल पार्क में ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा कम किसकी तुलना में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में। इनका एरिया से मतलब बिल्कुल ना निकालना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी होती है, नेशनल पार्क बड़ा होता है। हमें इतना ध्यान रखना है कि नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में। ठीक है, और कैटेगरी पांच और कैटेगरी छह, इनमें जो है कैटेगरी पांच में आपका जो है कम्युनिटी रिजर्व आता है, कम्युनिटी रिजर्व, और कैटेगरी छह में जो है कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो इसने ये छह लिस्ट जो है दे दी, उसके हिसाब से जो है प्रोटेक्शन लेवल इसने जो है तय कर दिया कि कहाँ पे कितना प्रोटेक्शन रखना है। तो कैटेगरी टू में आपका नेशनल पार्क आ रहा है, तो नेशनल पार्क का जो है रेस्ट्रिक्शन लेवल थोड़ा हाई होगा। आगे बढ़े अब। हाँ, तो यहाँ पे और देख लो एक बार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी फोर में आ रही है और नेशनल पार्क आपके जो है कैटेगरी टू में, कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरी छह में और कंजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी पांच में। ठीक है, और जो है अब ये जो IUCN था उसने जो है प्रजातियों के हिसाब से एक डेटा इस तरह का दिया, इस तरह का उसने जो भी स्पीसीज थी उन स्पीसीज का जो अध्ययन किया और इसने बताया, इनका डेटा इकट्ठा किया और बता देता है ये कि ये जो है अब समाप्त हो गए, ये थ्रेटन्ड है, इनका लोअर रिस्क है, अभी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बहुत दिक्कत है और ये तो दिक्कतों के मारे खत्म ही हो गए। तो इस तरीके से जो है बता देता है। लेकिन इसने जो है क्राइटेरिया कौन सा रखा हुआ है, तो अगर स्पीसीज की जनसंख्या की दर में गिरावट हो गई, हो रही हो, तो ये समझ जाता है कि भैया जो है इन पे संकट आने वाला है। वहां की जो भौगोलिक सीमा होती है, जो जियोग्राफिकल अरेंज होती है, उसके आधार पे भी जो है ये निश्चित करता है कि कौन सी स्पीसीज जो है खतरे में है, आने वाली है। और जो है ये भी देखता है कि जो प्रजातियां हैं उनमें से एक छोटी आबादी में कौन है। मतलब कि भैया अगर किसी प्रजाति की आबादी छोटी हो गई, उसके 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग ही बचे उसमें, तो मतलब उसका साफ है भैया ये खतरे में है, बचाओ इसको, मुझे इसकी जो है
कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ये आपको जो IUCN आपको बता के दे देगा, भैया ये है इसकी आबादी में जो है गिरावट आ रही है, उसको तुम थोड़ा बचाओ संभालो इसको। और क्या प्रजातियों की आबादी बहुत कम है प्रतिबंधित क्षेत्र में रहती है उसके आधार पे भी, और ये जो है इसका मात्रात्मक विश्लेषण विलुप्त होने की उच्च संभावना को इंगित करते हैं कि भैया ये जो है अब आगे विलुप्त होने वाले हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दे लो। अब जो है इसने IUCN जो है, अब IUCN एक लिस्ट जारी करता है, क्या जारी करता है एक लिस्ट, उसमें जो है ये स्पीसीज के नाम देके रखता है, क्या देके रखता है इनके नाम, उस लिस्ट को कहते हैं रेड डेटा लिस्ट या रेड लिस्ट, या तो रेड डेटा लिस्ट या रेड लिस्ट। अब ये किसी पर्टिकुलर देश को जो है इसने रेड लिस्ट भेज दी कि भैया आपके यहाँ पे इतनी स्पीसी जो है खतरे में है, आप जो है बचाओ इनको। लेकिन ये जो पूरी किताब तैयार करता है ना इस लिस्ट की, जो हर साल जो है ये बना के देता है, तो उस बुक का नाम है रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। उस बुक में से जो है प्रत्येक देश को जो भी इसके मेंबर हैं उनको उठा के एक लिस्ट देता है, भैया अपने आप ये स्पीसीज हैं, इन पे ध्यान दो, इनको बचाओ नहीं तो समस्याएं हो जाएंगी उस तरीके से। तो अब ये देख लो कि रेड डेटा लिस्ट जो आपकी है वो 1964 में इसने पहली रेड डेटा लिस्ट जारी की, किसकी, थ्रेटन्ड स्पीसीज की, जो प्रजाति खतरे में है उनकी, ठीक है। तो रेड डेटा बुक जो है आपकी, रेड डेटा लिस्ट जो है 1964, IUCN की स्थापना 1948, भूलना नहीं है, सब याद रखना है साथ के साथ। और इसमें जो है जो भी रेड डेटा लिस्ट है इसकी, इसमें जो भी पेज जो है पिंक होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं, वो प्रजातियां आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक संकटग्रस्त है ये, इन पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो ग्रीन पेजेस हैं वो जो है फॉर्मली एंडेंजर्ड है, मतलब एंडेंजर्ड तो हैं बट उतनी दिक्कत नहीं है, उनको जो है संभाला जा सकता है, बट ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं भैया इनकी स्थिति तो बहुत खराब हो गई, इन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से पिंक पेज और ग्रीन पेज दो तरह के पेज होते हैं रेड डेटा बुक में। पिंक पेज है तो मतलब उस पिंक पेज में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होंगी, और ग्रीन पेज है तो वहां पे फॉर्मली एंडेंजर्ड स्पीसीज होंगी, जैसे कि आपका नियर थ्रेटेंड हो गया, लिस्ट कंसर्न हो गया, इस तरीके की प्रजाति होंगी। समझ में आ रही है ना चीजें? तो अब ये जो है इसने जो भी कैटेगरी बनाई हुई है एक बार उनको देख लेते हैं। तो ये जो रेड लिस्ट में है उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी, किसी स्पीसीज के बारे में, ये स्पीसीज की स्थिति क्या है, मतलब ये स्पीसीज विलुप्त तो नहीं हो गई, कोई बहुत सारी स्पीसीज है ना, जैसे कि पहले डायनासोर हुआ करते थे विलुप्त हो गए, अगर उस तरह उस समय में ऐसी कोई व्यवस्था रही होती तो क्या डायनासोर विलुप्त हुए होते, उनको बचाने के लिए प्रॉपर जो है कार्य किए गए होते, जो भी लगता जो भी होता उस समय, तो उस हिसाब से जो है इनको बचाने का भरपूर प्रयास किया जाता तो शायद बच भी जाते, यही कहानी आज है। तो हमें जो स्पीसीज खतरे में है उनको बचाना है, तो ये आपको IUCN जो है ये आपको बता के देगा कि कौन सी प्रजाति कितने खतरे में है। अगर वो जो है 9 ग्रुप्स हैं, इसमें 9 ग्रुप में से कौन सी प्रजाति किस लेवल पे आती है, उसका स्टेटस क्या है ये देख लेते हैं। अगर वो एक्सटिंक्ट है, विलुप्त है, तो मतलब वो तो गए, उनका खेल खत्म है। विलुप्त मतलब वे प्रजातियां जो विगत 50 वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो। प्राकृतिक आवास से मतलब है कि जो जहां मिलता हो उस आवास में न मिला हो, भाई एक दो उठा के जो है तुम चिड़ियाघर में ले आए या कहीं जो है मिल गया वो चीज अलग है, लेकिन जहां पे वो रहता है, जहां उसका प्राकृतिक आवास है, अगर वो उस आवास में नहीं मिल रहा है पिछले 50 वर्षों में, तो समझ जाइएगा कि वो एक्सटेंट हो चुकी है, वो एक्सटेंट की श्रेणी में आ जाएगी,
नंबर दो पे है एक्सटेंट इन वाइल्ड, मतलब जंगल से तो विलुप्त हो गई है, लेकिन जंगल से ही तो विलुप्त हुई है, कहीं भैया जू वगैरह में कहीं पे और उठा के रखी हो तो अलग बात है, जू में आपको मिल सकती है। मान लो कि कोई यहाँ पे स्पीसीज थी, अब वो वहां के रहन सहन से या किसी भी प्रकार से इतने ज्यादा खतरे में आ गई कि उसके उस आवास में रहना उसका जो है खतरे से खाली नहीं है, वहां पे उसको खाने वाले या कोई ऐसी स्पीसीज है जो उसको हार्म कर रही है, अब वो अगले वर्षों में वो जो है खत्म हो जाएंगे, हम करेंगे क्या कि उनको उठा के जो है और जू में कहीं पे सेट कर देंगे, या अगर वनस्पति है तो उसको बॉटनिकल गार्डन में ले आएंगे। तो ये एक्सीटू मेथड के तहत होता है। एक्सीटू अब क्या है एक्सीटू, बस किसी अगर कोई स्पीसीज है अगर वो अपने आवास में यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह पा रही है तो उसको उठा के उसके अनुकूल परिस्थितियां प्रोवाइड करवा के दूसरी जगह उसको कहीं पे शिफ्ट कर दिया, भैया चलो तुम यहाँ पे हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो ये तो हो गया आपका एक्सीटू मेथड। और एक होता है इनसीटू, मतलब आप यहाँ पे रहते हो लेकिन कुछ समस्याएं थी, हमने उन समस्याओं को हल कर दिया और आपका कंजर्वेशन यहीं पे कर दिया आपके आवास में ही, तो ये आपका इनसीटू हो गया। तो इस तरीके से एक्सटेंड इन वाइल्ड मतलब वन से विलुप्त वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती किंतु उन्हें कृत्रिम आवासों जैसे चिड़ियाघरों में संरक्षित किया गया है, वो आपके हो जाएंगे एक्सटेंड इन वाइल्ड। तीसरी कैटेगरी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है भैया, अगर आपको कहीं भी कोई भी जीव क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता दिखे तो तुरंत याद कर लीजिएगा, बस ये समझ लेना कि ये एक दो साल अपना रिश्तेदार है भैया, क्योंकि एग्जाम में उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो न्यूज में है और उसने ये बताया कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो बस उसको छोड़ना नहीं है, याद कर लेना एकदम से। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होता है भाई, ऐसी प्रजाति हिंदी में अर्थ है इसका अति संकटग्रस्त प्रजातियां, क्रिटिकली बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त। तो ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या में विगत 10 वर्षों में कितने 10 वर्षों में 90% की कमी दर्ज की गई हो, मतलब मान लो कि इनकी पॉपुलेशन जो है 100% थी, या मान लो ये 100 थे अपने आप में और जो है इनमें से 90 तो गए गुजर गए, 10 बचे हैं बस, अब तो समझ लो कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में है, इनको बचाने की आवश्यकता है, इनपे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अगर एक दो साल इनपे और ध्यान नहीं दिया गया तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे भैया। तो इनपे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, इनपे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो या इसका एक और जो है पैमाना है, कुल संख्या 250 से कम हो या 3 वर्ष में 25% की कमी आ गई हो, केवल 3% में, 3 वर्ष में ये 25% साफ हो गए हो, या केवल 250 बचे हो बस गिनती में 250 खत्म, या 10 सालों में 90% की कमी दर्ज की गई हो, ये हो जाएंगे आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और यही अपने खास रिश्तेदार हैं जिनको याद रखना है। अब आते हैं इसके बाद कैटेगरी फोर, कैटेगरी फोर है आपकी एंडेंजर्ड, हिंदी माध्यम संकटग्रस्त, या संकटग्रस्त तो संकट से ग्रस्त है, संकटग्रस्त। अब इसमें क्या है कि जिनकी जनसंख्या पिछले 10 सालों में 70% गायब हो गई हो, कितनी 70% गायब हो गई हो, या 5 वर्ष के अंदर 20% की कमी देखी गई हो, या उनकी कुल जनसंख्या 2500 से कम हो, तो ये आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड में भी 3 क्राइटेरिया थे, 10 वर्षों में 70% की कमी हो गई हो, या कुल जनसंख्या 2500 से कम हो, या 5 वर्ष के अंदर 20% की कमी देखी गई हो। अब मैं आपसे पूछूं भाई बताओ क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्राइटेरिया क्या था, तो अब 10% 10 वर्षों में जिनकी आबादी 90% तक गायब हो गई हो, 90% तक गायब हो गई हो, या फिर कुल जनसंख्या 250 से कम रह गई हो, 250 से कम रह गई हो, या जो है 3 वर्ष में 25% की कमी आई हो जिसकी जनसंख्या में,
वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और एंडेंजर्ड वाले 10 वर्षों में 70% की कमी, 2500 से कम रह गए हों, या 5 वर्ष के अंदर 20% की कमी देखी जा रही हो, ये आपके एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त, संकटग्रस्त ठीक है। नंबर 5 पे है आपका वर्नरेबल, वर्नरेबल प्लस संवेदनशील, संकटग्रस्त तो नहीं है बट जो है संवेदनशील है, संकट आने की पूरी संभावना है, तो इसे कहेंगे संवेदनशील, संवेदनशील ठीक है। मतलब संकटग्रस्त नहीं है बट संकट आने की पूर्ण संभावना है। अब संकट तो भी आने की संभावना क्यों है, क्योंकि पिछले 10 सालों में 50% खत्म हो लिए ये, तो संकट आने की तो पूरी संभावना है। जैसे ही इनकी आबादी 20% और गई, ये जो है एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि पिछले 10 वर्षों में 50% की कमी हुई हो, या इनकी कुल संख्या 10,000 से कम हो, या 10 वर्ष में 10% की कमी दर्ज की जा रही हो, तो ये आपके जो है वर्नरेबल में आएंगे। अब उसके अलावा, अब यहाँ पे ये था 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। उसके बाद आएगा आपका नियर थ्रेटेंड, संकटापन्न जो है, इसमें संकट आ सकता है। मतलब संकट आ सकता है मतलब क्या हुआ इसका, कि ये जो है लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, मतलब अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ये भी जो है संकटग्रस्त हो जाएंगे। उसके बाद है लीस्ट कंसर्न, कह सकते हैं आपके संकट मुक्त है, इन पे अभी कोई संकट नहीं है, लोएस्ट रिस्क है जो है, बस इतना इसके बारे में जान लो। डाटा डेफिशिएंट मतलब कुछ प्रजातियां ऐसी भी तो होंगी जिनके बारे में अभी तक आंकड़े अपर्याप्त होंगे, आंकड़े अपर्याप्त होंगे भाई, जो है गिन रहे हैं, गिनती कर रहे हैं उनकी, बट आंकड़े अभी तक पूरे नहीं हो पाए, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं इसके बारे में जिसे कहेंगे डाटा डेफिशिएंट। और एक ऐसी होगी जिसको नॉट इवेल्युएटेड, जिसके बारे में आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। कुछ ऐसी भी तो चीजें होंगी, मान लो कि कोई प्रजाति ऐसी है जिसका जीवन काल जो है, जिसकी लाइफ जो है केवल 5 दिन है, 10 दिन है, 20 दिन है, भैया जब तक तुम उसको गिनने जाओगे तब तक उसका जीवन चक्र पूरा हो गया होगा, कुछ इसमें से निकल लिए होंगे, कुछ नए आ गए होंगे, तो इनका डाटा आप कहाँ से लाओगे, तो इनके बारे में कोई आंकड़ा उपलब्धि नहीं है ठीक है। तो अपन लोगों ने जो है इसकी 9 कैटेगरी को देखा, कि इन 9 कैटेगरी के आधार पे जो है हमें देखना है कि किसे अब कितनी समस्या है। और 9 कैटेगरी में से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड अति संकटग्रस्त 90% याद रखना है। उसके बाद जो है एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त, इसमें 70% आपको याद रखना है। और उसके बाद आपकी है वर्नरेबल, वर्नरेबल इसकी जो है 50% जनसंख्या साथ होगी, तो 90, 70 और 50 क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और ये आपके वर्नरेबल ठीक है। तो ये 3 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर चाहो आप तो नियर थ्रेटेंड स्पीसीज जो भी आएंगे आएंगे आप उनको लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बट ये 3 आपको तो लिख के रखनी है, याद भी करनी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वर्नरेबल। तो ये आपकी लिस्ट है यहाँ पे एक्सटेंट, एक्सटेंट इन वाइल्ड, और ये जो आपकी कैटेगरी है थ्रेटेंड, ये आपको थोड़ा जो है अच्छे से करना है, तीनों थोड़ा बहुत फोकस इस पे भी करना है, नियर थ्रेटन पे और लिस्ट कंसर्न, समझ गए। IUCN ने कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई है। अब नेशनल पार्क वो सब जो है पढ़ेंगे। अब जब इस IUCN से जो है पूछा गया, जब इस IUCN से पूछा गया कि भैया जो है हमें चीजों का संरक्षण तो करना है, हमें चीजों का संरक्षण तो करना
करना है। तो इन्होंने जो है चीजें बता दी कि अगर मैं ये कह दूं कि ये जो है एक्सटेंट है तो मतलब समझ लो साफ हो गई, एक्सटेंट इन वाइल्ड है तो मतलब समझ लो आवाज से तो साफ है बट कहीं जू वगैरह में कहीं पे मिल जाएगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो मतलब इसकी 90% जनसंख्या साफ हो गई है, ध्यान दो इस पे, समझ रहे हो ना, एंडेंजर्ड है तो 70% साफ हो गई, वल्नरेबल है तो 50% साफ हो गई। तो इस तरीके से जो है इन्होंने बता दिया। तो इन्होंने कहा भैया ऐसा करो तुम सबसे पहले अभी जो है जो चीता होता है ना आपका टाइगर उस पे थोड़ा ध्यान दे लो, किस पे टाइगर पे, तो उस पे ध्यान दे लो। तो जो है लोगों ने पूछा भाई अब क्यों उस पे क्यों ध्यान दे ले हम, उसने कहा भैया इनमें भी समस्याएं आ रही हैं, ये कुछ समय के बाद ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गायब भी हो जाएंगे ये, तो इन पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कितना ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसने कहा चलो अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट अगर जो है चीजें धीरे धीरे बिगड़ती गई, ये जो है टाइगर कम होते गए तो आगे भविष्य में ये भी एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वो सब जो है श्रेणियां इनके लिए आपको बनानी पड़ेगी, वहां सेट करना पड़ेगा, तो आप जो है इनको बचा लीजिए। तो इस बात को देखते हुए जो है 1973 में टाइगर को बचाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में, सबसे पहले तो ये याद कर लो प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसका उद्देश्य क्या था प्रोजेक्ट टाइगर का, इसका उद्देश्य था कि जो आपके टाइगर्स हैं उनका उनके नेचुरल हैबिटेट में उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको प्रोटेक्ट करना है और उनका एक्सटेंशन नहीं होने देना है, विलुप्त नहीं होने देना है, उनको हमें उनका संरक्षण करना है। तो टाइगरों का संरक्षण करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको असिस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक कमिटी बनाई गई, कमिटी एक अथॉरिटी बनाई गई, उस अथॉरिटी का नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और सुनो ये जो NTCA है ना ये 2006 के एक्ट से बनी है, 2006 आप जो है मान सकते हैं, और ये एक स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है ये, ध्यान रखना है हमें। ये जो थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 था आपका, उसमें 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट के तहत NTCA की स्थापना हुई है। NTCA की स्थापना हुई कब है, 2006 में। किस लॉ में जो है अमेंडमेंट हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। कब अमेंडमेंट हुआ, 2006 में। 2006 में अमेंडमेंट होने के बाद NTCA का गठन हुआ, ठीक है। और जो है मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसके चेयरपर्सन होते हैं, क्या होते हैं, चेयरपर्सन, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट ये इसके 22 चेयरपर्सन होते हैं इसके, NTCA के, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006। इसके चेयरपर्सन होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और 22 चेयरपर्सन होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो NTCA का आपको मालूम हो गया क्यों बनाएगी NTCA, प्रोजेक्ट टाइगर को असिस्ट करने, प्रोजेक्ट टाइगर जो था उसको प्रॉपर रूप से संचालित करने के लिए NTCA का गठन हुआ, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ NTCA ये देख लो, ये अप्रूवल करती है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है तैयार करती है, और ये जो है मानक बनाती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, क्या मानक निर्धारित करती है, मानक निर्धारित करती है, लिख लो भैया मानक निर्धारित करती है किसके लिए, कि टाइगर्स का कंजर्वेशन जो है संरक्षण कैसे हो, किस प्रकार से हो, उसके मानक
निर्धारित करती है, जानकारी देती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विभिन्न एस्पेक्ट पे, किस तरह से टाइगर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, पेट्रोलिंग कैसी हो, एस्टिमेशन कैसा हो उसकी पेट्रोलिंग कैसे हो। और ये मेन वाइल्ड एनिमल जो कन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में भी जो है जानकारी देती है, और वहां पे जो को एग्जिस्टिंग पहले से जो लोग वहां पे रह रहे हैं कहाँ पे, कोई भैया टाइगर का हमें प्रोटेक्शन करना है तो टाइगर रिजर्व हमको बनाने पड़ेंगे। अब हमने टाइगर रिजर्व तो बना दिया क्योंकि भैया यहाँ पे किसी कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पे रह रहे हैं टाइगर, तो उनका संरक्षण करने के लिए हमने टाइगर रिजर्व को बना दिया, लेकिन उस आसपास वाले एरिया में कुछ और लोग भी तो रह रहे होंगे। अब उन लोग जो रह रहे हैं उनका और इनका कन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए ये पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, और ये जो है वार्षिक रिपोर्ट भी बनाते हैं और पार्लियामेंट में देते हैं टाइगर से संबंधित। तो ये सब आपके एनटीसीए के काम हो गए। अब इन्होंने जो है टाइगर रिजर्व का निर्माण किया भाई, जो है प्रोजेक्ट क्रोज एक्ट टाइगर के तहत एनटीसीए का निर्माण हो गया। अब एनटीसीए ने जो है चीजें देखी कि चलो ठीक है भैया, तो अगर हमें इनका टाइगर का हमें प्रोटेक्शन करना है, इनका कंजर्वेशन करना है, तो हमें टाइगर रिजर्व जो है बनाने होंगे। तो टाइगर रिजर्व जो आपके होते हैं उसका ये एरिया के बारे में बात हो रही है कि टाइगर रिजर्व किस तरीके के होते हैं। तो उसमें एक तो होता है कोर जोन। क्या होता है कोर जोन? नाम से ही स्पष्ट है कि वो कोर एरिया है, अर्थात मैंने इतने बड़े क्षेत्र को अगर टाइगर रिजर्व जो है बना दिया तो इसमें से एक तो आपका होगा कोर जोन। तो कोर जोन तो एकदम अंदर रहने वाला है, इस कोर जोन के बाहर वाला जो एरिया है ये वाला, ये आपका रहेगा बफर जोन। बफर जोन ये आपका हो गया कोर जोन, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्रिटिकली इन्वॉल्यूटेड टाइगर हैबिटेट एरिया, मतलब यहाँ इस जो कोर एरिया हुआ बनाया जाता है जहां पे टाइगरों का ज्यादा रहवास है, टाइगर वहां पे ज्यादा रह रहे हैं, उसको कोर एरिया बनाया जाता है। और जरूरी नहीं है कि कोर एरिया एकदम बीच में हो, यहाँ कहीं भी हो सकता है भैया, टाइगर यहाँ पे कहीं रह रहे हैं और वो यहाँ तक घूमने जा रहे हैं तो इस पूरे एरिया को तो हमें टाइगर रिजर्व जो है बनाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे वो रह रहे हैं ज्यादातर जहाँ पे जिस एरिया में वो इन्वॉल्व है उस इन्वॉल्व को मुझे कोर एरिया बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो बाकी एरिया बचा हुआ है उसको मैं बफर जोन बुला दूंगा। क्या? बफर जोन। और ये जो इसका जो कोर एरिया होता है ना, इसमें ह्यूमन डिस्टरबेंस नहीं होता, इट इज केप्ट फ्री ऑफ ऑल बायोटिक एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मुझे। तो कोर एरिया ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्लियर है ना, बफर जोन की तुलना में। और इसका जो कोर एरिया जो होता है ना, अब हो सकता है कि उस कोर एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो या नेशनल पार्क के अंदर हो, कोई एक बड़ा है नेशनल पार्क, उसके नेशनल पार्क के इस हिस्से में जो है मिलते हैं आपके टाइगर, तो इस पूरे क्षेत्र को मैंने बना दिया टाइगर रिजर्व, और उसके इस क्षेत्र के बीच में, इस क्षेत्र के बीच में जहां पर भी टाइगर ज्यादा इन्वॉल्व है उस क्षेत्र को मैंने कह दिया कोर जोन, उसके आसपास का जो एरिया है वो बन गया बफर जोन, और ये पूरा है नेशनल पार्क, और हो सकता है कि ये पूरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो और उसके अंदर मैंने ये तो टाइगर रिजर्व जो है बना दिया, टाइगर रिजर्व के अंदर ये कोर जोन और मैंने जो है बफर जोन भी बना दिए। तो इस तरीके का सिस्टम है इसका, कुछ समझ में आ रहा है ना, कोर जोन क्या होता है, बफर जोन देख लो भाई, ये आपका बफर जोन है, सराउंड कोर जोन, कोर जोन के चारों ओर, कोर जोन के चारों ओर जो एरिया है ये आपका बफर जोन है, ठीक है। और इट एम्स टू प्रमोटिंग कोएक्सिस्टेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे बफर जोन में मानव रह सकते हैं ऐसा नहीं है, और कोर जोन में कोई मानव नहीं रहेगा भाई, बाहर जाओ यहाँ से। और देखो एक चीज, ये आपका जो भी टीआर बनाया गया है, टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है,
उसका अप्रूवल कौन देता है, उसकी बाउंड्री को कौन बताता है कि इसकी बाउंड्री इस तरीके से होनी चाहिए, इसकी बाउंड्री स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ एनटीसीए, मतलब एनटीसीए का अप्रूवल लगेगा और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अप्रूवल भी लगेगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है, उसकी सीमाओं का निर्धारण कर सकती है। तो टाइगर रिजर्व को बनाने में एनटीसीए का प्रायर अप्रूवल लगेगा और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो है अप्रूवल लगेगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है बना सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, आगे आ जाओ भाई थोड़ा। अब इसी से संबंधित, टाइगर के संरक्षण से संबंधित एक टाइगर टास्क फोर्स भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? टाइगर टास्क फोर्स। ये भी एक स्टेचुरी अथॉरिटी थी। ये टाइगर के संरक्षण को एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी 2005 में। और ये जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड था, उसके रिकमेंडेशन पे बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। और ये बस इतना याद रखना है कि टाइगर टास्क फोर्स की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका काम था कि जो टाइगर का कंजर्वेशन कर रहे हैं अपन लोग, उसको एंश्योर कर सके, उसको जो है सुनिश्चित कर सके कि हाँ टाइगर का कंजर्वेशन सही तरीके से हो रहा है। बस इतना याद रखना है इसके बारे में। अब जो है टाइगर्स का सेंसेस भी होता रहता है भाई, टाइगर की गिनती नहीं करोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो टाइगर्स का जो सेंसेस होता है, टाइगर की जो गिनती होती है, बाघों की जो गिनती होती है, तो वो गिनती कौन करवाता है? तो पता है आपको, एनटीसीए इसकी गिनती करवाता है। किसके कोलेबोरेशन के साथ? तो यहाँ पे एक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो देहरादून में है आपका, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपका देहरादून में है और ये एक ऑटोनोमस संस्था है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। ये आपको याद नहीं रखना है, बस इतना मान लो कि जो है ये 1982 में देहरादून में स्थापित हुआ था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस एनटीसीए मिलके बाघों की गिनती करवाते हैं, इनका सेंसेस करवाते हैं, ठीक है। और एक चीज और, कंडक्ट आफ्टर 4 ईयर्स, हर 4 साल बाद बाघों की गिनती होती है, जैसे 6 में हुई, 10 में हुई, 14 में, 18 में, और जो है उसके बाद अब जो है 22 में हुई है। इसके आंकड़े जो है 23 में आ चुके हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो हमें याद रखना है केवल क्या, कि बाघों की गिनती एनटीसीए, एनटीसीए प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जो है इसकी दोनों लोग मिलके बाघों की गिनती करवाते हैं। अब बाघों की गिनती भाई कैसे करेंगे हम लोग? ऐसा तो नहीं है कि जो है दो मजदूर लिए, छोड़ दिए इनके पीछे, जाओ भाई इनके पीछे पीछे देखो कहाँ पे जा रहे हैं, इनके साथ इनके रिश्तेदार जो भी हों वो इनसे मिलने आए तो उनको भी जो है अपनी कॉपी में तुम एंट्री कर लेना, एक ये थे, एक इनके रिश्तेदार थे, एक इनसे मिलने आए थे, दोस्त थे इनके, क्या इस तरीके से गिनती करने वाले हो गया? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, हमारे पास कुछ एक चीजें होंगी। ऐसी भी गिनती हो सकती है, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन हमारे पास जो गिनती करने का तरीका है, तो हम देखते हैं कितने तरीकों से बाघों की, टाइगर्स की गिनती होती है, कितने तरीकों से। तो नंबर एक जो पहला तरीका है उसको कहते हैं पगमार्क टेक्निक। क्या कहते हैं? पगमार्क टेक्निक। ये क्या होता है भाई, जो अपने अपने मान लो कोई ह्यूमन है, उसके जो ये दो पैर है ना, अगर वो कहीं जाएगा तो उसके पैर ये जमीन पे पड़ेंगे तो ये छप जाएंगे, इसको सिंघम टेक्निक भी कहते हैं। क्या हुआ?
छप जाएंगे ये, तो बस हम अपने लोग भेज देंगे भाई जाके देखो ये जो है कहाँ पे गया है, कितने प्रकार के जो है यहाँ पे पैरों के निशान मिल रहे हैं, बस उसी हिसाब से हम जो है गिन लेंगे इनको कि हाँ यहाँ पे इतने टाइगर थे, इतने सिंगम थे यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है ये कौन सी है टेक्निक, पग मार्क टेक्निक, ये हमें ध्यान रखना है, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है ये। लेकिन इसमें भाई कुछ समस्याएं भी तो हो सकती हैं। समस्याएं क्या हुई कि अब ये जो है यहाँ से बेचारा टाइगर तो आया और यहाँ से जो है निकल गया, इसके पीछे पीछे एक हाथी आ लिया हाथी, और हाथी इसके पैरों के निशानों के ऊपर होके निकल लिया। अब इसका पैर था इतना बड़ा और हाथी का पैर इतना बड़ा, भूल जाओगे तुम गिनती भैया जो है कि यहाँ पे होके कोई आया था भी या नहीं आया था, फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। और देखो आप में से कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सभी बाघों के पैरों के निशान तो एक जैसे हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो है यहाँ से कौन सा वाला गया है, कैसे गिनती करोगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक टाइगर के पैरों के जो निशान होते हैं वो एकदम अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। जिस प्रकार से अपना ये जो बायोमेट्रिक होता है ना, थंब या आयरिस वगैरह या आपकी जो फिंगरप्रिंट हुए ना, तो प्रत्येक मनुष्य के फिंगरप्रिंट अपने आप में यूनिक होते हैं। इसी प्रकार से ये जो बाघों के पैरों के जो निशान होते हैं, ये जो निशान आपको दिख रहे हैं, ये भी प्रत्येक बाघ के यूनिक होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि जो है हम सभी पैरों के निशानों में जो है ये पता नहीं इसका है, इसका है, किसका है, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। सबके पैरों के निशान एकदम यूनिक होते हैं और हम इसे गिन सकते हैं। और ये भी है, ये जो मेथड है ये थोड़ा जो है सस्ता भी है, कोई इसमें ज्यादा खर्चे खराबी की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट वन है इनका जो है कैमरा ट्रैपिंग मेथड, मतलब कैमरे लगवा दो भाई साहब, कैमरे के सामने से आकर जो भी गुजरेगा कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा तो गिनती हो जाएगी। तो इसके लिए जंगलों के बहुत सारे हिस्सों में जहाँ पे टाइगर्स का ज्यादा आवागमन है वहां पे इन लोगों ने जो है कैमरे रखे हैं लगवा के, भैया इसके सामने से आओगे तो बस हमें ये पता हो जाएगा कि हाँ एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। फिर तुम सोचोगे सर कैमरे में एक ही बाघ आके चार बार निकल गया तो मालूम तो हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो स्ट्रिप होती है ना, उनकी जो स्ट्रिप होती है, जो धारियां होती हैं उनके ऊपर, देखो तुम्हें मैं दिखाऊं क्या होता है स्ट्रिप, नहीं तुम फिर से जो है एक सेकेंड स्ट्रिप में ये रहा, देखो ये बैठा हुआ है, इसके ऊपर जो ये धारियां है ना, ये धारियां भी सभी टाइगर्स के ऊपर यूनिक होती हैं, कॉमन नहीं होती है, एकदम यूनिक होती हैं। तो इनके हिसाब से भी जो है मालूम हो जाता है कि ये पहले वाला था या कोई दूसरा है, ये इन धारियों के हिसाब से भी ठीक है मालूम हो जाता है हमें कि ये कौन सा वाला है जो अभी होके गया है, वो तो नहीं है। अब हुआ क्या, कैमरे तो आपने लगवा दिए और कैमरे आपने कहाँ पे लगवाए, हाँ भाई कैमरे आपने जो है किसी भी क्षेत्र में, मान लो कि यहाँ पे कोई जंगल है, यहाँ पे आपने जो भी लंबे लंबे पेड़ थे या कोई ऐसा सिस्टम आपने बनाया, इस क्षेत्र में चारों ओर जो है कैमरे लगवा दिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक समय के बाद, कुछ एक समय के बाद ये कैमरे डैमेज हो जाएंगे पानी से, आंधी से, बरसात जो भी है, तो उससे ये कैमरे जो है डैमेज हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो ये मेथड थोड़ा कॉस्टली रहेगा ना, तो कॉस्टलियर मेथड देन पगमार्क, जो वो टेक्निक थी पहले वाली उसकी अपेक्षा ज्यादा महंगा है ये, क्योंकि कैमरे कोई फ्री में तो आ नहीं रहे, भाई लाए हुए पैसे खर्च होंगे ना आपके। लेकिन इससे क्या होता है कि जहाँ पे पगमार्क मेथड में लेबरर्स को काम मिल रहा था, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं होता, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, कैमरे तुमने लगा दिए बस वो कैमरे अपना काम स्वयं कर रहे हैं, अपना काम स्वयं कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे नो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं होता। और ये भी है
कि ऐसा थोड़ी है कि टाइगर जहां जहां जा रहा है तुम उसके पीछे कैमरे लेके घूम रहे हो। तो कैमरे को आप हर एरिया में हर क्षेत्र में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते उसका, तो कुछ एक टाइगर्स जो है बच के भी निकल जाते हैं। और कैमरे की जो रेंज होती है ना वो भी तो एक फिक्स होती है, तो टाइगर जो है घूमता घूमता उनकी रेंज से ही बाहर चला गया। भाई टाइगर कोई ऐसा तो है नहीं जो है कि नहीं भाई तुम्हें इसी क्षेत्र के भीतर रहना है, हम कैमरे यहाँ पे लगा दे रहे हैं और ये कैमरे तुमको गिन लेंगे तुम कितने हो। वो तो उसकी मर्जी का मालिक है, यहाँ आ गया वो बाहर निकल गया, फिर कैमरे तुम्हारे कहाँ से गिनेंगे। अब तुम्हारे कैमरे जो है बैठ के सो रहे हैं आराम से। तो दो तीन चीजें इसमें आपको याद रखनी है। एक्यूरेसी जो है इसकी सेम उसी प्रकार की है जो अब पगमार का आपका मेथड था उसी के प्रकार इसकी एक्यूरेसी है। इसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता और ये थोड़ा महंगा भी है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है वो आपका जो है अच्छा तरीका है, टूप या स्केट मेथड। मतलब जो बाघ जो होता है उसका जो भी वेस्टेज होता है, जो भी खाना खाने के बाद पचने के बाद जो भी मामला वो वह बाहर निकालता है, तो उसके ये लोग जो है सैंपलिंग कर लेते हैं, डीएनए सैंपलिंग। उसको उठाया और उसकी जो है डीएनए सैंपलिंग की और हाँ मालूम हो गया कि यहाँ पे इतने प्रकार का हमें ये लीड मिल रहा है, तो यहाँ पे इतने प्रकार के टाइगर या इतने टाइगर यहाँ पे हैं। इस तरीके से जो है इसको कहते हैं पूप या स्केट मेथड, ध्यान रखिएगा। है रेडियो कॉलर मेथड, मतलब टायर को आप पकड़ो, टायर को पकड़ने के बाद उसके में एक रेडियो कॉलर बांधो। क्या बांधो? रेडियो कॉलर। लेकिन अब बांध तो दो आप जो है हर एक के गले में, जिसके गले में आपको दिखे नहीं उसी के गले में आप जो है बांध दो। तो जितने कॉलर आपने बांधे तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे बाघों की संख्या इतनी है। 200 आपने बांध दिए तो आपके 200 बाघ हो गए। और अगर बिना कॉलर बंधे हुए आपको कोई बाघ दिखा उसके बांध दो, 200 हो गए 201। जब एक बार ये पूरे टाइगर्स के गले में बांध दोगे तो गिनती हो जाएगी। लेकिन इसमें समस्या क्या है, टाइगर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जो है तुम्हारा कॉलर जो है पहने पहने सूखे में ही वो घूमता रहेगा। उसका मन आ गया कि चलो लाओ आज मैं नदी में जाके नहा लेता हूँ, फिर क्या होगा, कॉलर जो आपने उसके बांधा था उसकी तो जीभ बाहर आ जाएगी, नहा लेगा वो भी। तो इस तरीके से जो है ये भी मेथड उतना काम का नहीं है, क्योंकि अगर टाइगर कहीं पे पानी में नहाने गया तो बस उसका खेल खत्म। ये लोग जो है सबसे अच्छा इनके पास मेथड है डबल सैंपलिंग मेथड। इसमें ये लोग दो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट काउंट बाई पगमार्क टेक्निक, देन री कंफर्मेशन बाई कैमरा ट्रैपिंग मेथड। ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों चीजों के इस्तेमाल से ज्यादा एक्यूरेट डेटा इनके पास होता है और ये बाघों की गिनती कर लेते हैं कि हाँ इतना डेटा हो गया। तो आपने जो है पांच प्रकार की जो भी टेक्निक थी सेंसेस करने के लिए, गिनती करने के लिए, वो आपने देख ली और कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है कौन सी इफेक्टिव नहीं है क्या सिस्टम है पूरा आपने जो है समझ लिया। अब जो है जो 2022 में टाइगर का जो सेंसेस हुआ था उसको एक बार देख लीजिए। तो इंडिया में जो टाइगर का सेंसिस हुआ था पहली बार वो 2006 में हुआ था, ठीक है, और ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है, 6, 10, 14, 18 और 22, ठीक है। 2018 में इनकी जो जनसंख्या थी वो थी 2967, ठीक है, लेकिन अब ये जो है 2022 में हो गई है 3167, 3167 इन 2022। और अब ये इनमें जो है इंक्रीज कितनी हुई, 6.74% जो है इंक्रीज हुआ है ये मामला जो है जनसंख्या इनकी। 2018 में कितनी थी, 2967, उसके मुकाबले 2022 में अब इनकी जनसंख्या 3167 हो गई है।
याद रखना है आपको। और 2006 इनका एक लक्ष्य था कि हमें अपनी बांगों की जनसंख्या 2006 के मुकाबले 2022 तक इसकी दोगुनी करनी है। 2006 में 1411 थी तो हमें 2022 तक 2822 करनी थी, लेकिन ये लक्ष्य हमने 2018 में ही पा लिया, 2018 में ही प्राप्त कर लिया। तो हमें इनमें से एक बेटा तो ये याद रखना है कि 2022 में टाइगर की जनसंख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 3167। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 2018 की तुलना में? 6.74%। प्रत्येक 4 साल बाद होता है, पहला 2006 में हुआ था, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दुनिया की 75% से ज्यादा आबादी टाइगर्स की इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में टाइगर्स की 75% से ज्यादा आबादी पाई जाती है, ये देख लो वाला जो अच्छे से। 2006 में आपके थे 1411, 10 में आपके हो गए 1706, 14 में 2226, 2018 में हो गए 2967 और 2022 में हो गए आपके 3167। ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी डेटा से, इसी सेंसस से संबंधित तो कुछ एक चीजें और भी आपको याद रखनी है। वो चीजें क्या हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए गए हैं 2022 में, 785। कितने? 785। उसके बाद जो है कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306। तो हमें केवल मध्य प्रदेश को याद रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, 785। और अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए, किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ पाए गए हैं, तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट 260 बाघ पाए गए हैं 2022 में, 2018 में इसमें 2018 की तुलना में 2018 की तुलना में ज्यादा बाघ पाए गए हैं। 2018 में 231 और 2022 में 260 बाघ पाए गए हैं। लेकिन कुछ एक रिजर्व ऐसे भी हैं जहां कोई टाइगर नहीं पाया गया, कोई टाइगर ही नहीं पाया गया, ऐसे रिजर्व हो सकते हैं ना, कौन कौन से हैं देखो। ये एक तो है आपका डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, लिखो भाई डंपा टाइगर रिजर्व, या थोड़ा सा आइडिया कर लो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में, यहाँ नहीं मिला कोई। एक है कमलंग अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे टाइगर नहीं मिला। कमल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, यहाँ पे टाइगर नहीं मिला। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा, यहाँ पे टाइगर नहीं मिला। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं मिला। तो ये इतने जो है टाइगर रिजर्व थे जहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं पाए गए हैं। और आपको ये याद रखना है कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए हैं, राज्यों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए हैं। और जो है ये डेटा आपको 2022 में 3167 टाइगर हो चुके हैं। अब कुछ एक जो है ऐसे नेशनल पार्क भी, चलो इसको छोड़ो, इसको जो है नेशनल पार्क वाला अपना जो सिस्टम आएगा वहां पे जो है कंप्लीट कर लेंगे इसको। यहाँ देख लो आप, ये जो है स्ट्रिप्स क्या होती है, एम स्ट्रिप। ये एम स्ट्रिप जो है एक प्रोग्राम है, एक ऐप है, ऐसे मान लो आप, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एक फोन के जो एंड्रॉयड फोन होते हैं ना, उन एंड्रॉयड फोन के लिए एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जो टाइगर से संबंधित है। देखो एम स्ट्रिप, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, बाघ संगठन के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मतलब ये बाघों की जो गिनती होती है, जो संगठना होती है, उसके लिए ये एप्लीकेशन जो है बनाया गया है। और ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है,
एंड और सॉफ्टवेयर फॉर कलेक्टिंग अचीविंग एंड एनालाइजिंग डेटा। किसका डेटा? बाघों का, टाइगर का, नाम में ही टाइगर आ रहा है इसके, नाम में ही टाइगर। तो आप इससे समझ सकते हैं एम स्टेप के बारे में, केवल आपको इतना याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और फुल फॉर्म के अलावा इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध टाइगर से है, किससे है? टाइगर से। फुल फॉर्म मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अब जो आपका जो बांग है, जो टाइगर है, उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस क्या है? तो आपका जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अनुसूची फर्स्ट में आता है ये, इसमें शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल को अनुसूची, अनुसूची एक में है ये, फर्स्ट में है ये। और जो आपका IUCN है, IUCN की रेड लिस्ट जो है, उसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इसमें आता है एंडेंजर्ड कैटेगरी। एंडेंजर्ड से आप क्या समझते हैं? सर मैं एंडेंजर्ड का मतलब है कि जिसकी 70% जनसंख्या पिछले 10 सालों में साफ हो गई हो, कि 70% जनसंख्या पिछले 10 सालों में साफ हो गई हो, तो ये जो है चिंता का विषय है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये, ठीक है। और आपका ये जो साइट्स होती है ना, जो फ्लोरा फौना का ट्रेडिंग होती है, उससे संबंधित जो है एक ये संस्था है साइट्स, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये साइट्स के अपेंडिक्स बन में आता है, तो हमें इसका स्टेटस जो है याद रखना है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है अपना 1972 वाला, उसके शेड्यूल बन में आता है, और जो IUCN की रेड लिस्ट है, उसके एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और आपका जो साइट्स है, साइट्स के अपेंडिक्स बन में आता है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब इसी से संबंधित जो है एक फोरम का निर्माण हुआ था, ग्लोबल टाइगर फोरम, इसका ग्लोबल टाइगर फोरम, नाम में ही लिखा है ग्लोबल, वैश्विक स्तर पे था ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी थी। तो बहुत से जो भी इसके मेंबर्स थे, जो 1994 में इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसके जो मेंबर्स हैं, जो असेंबली के, जनरल असेंबली जो है GTF की, वो प्रत्येक 3 साल बाद मिलते हैं, मीट्स आफ्टर 3 ईयर्स, एवरी 3 ईयर्स, ओके। तो ग्लोबल टाइगर फोरम है, यहाँ पे टाइगर्स के कंजर्वेशन से संबंधित बातचीत होती है, टाइगर के कंजर्वेशन से संबंधित बातचीत होती है, और इसमें वही देश तो पार्टिसिपेट करेंगे जिनके यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हों, और जिनके यहाँ पे टाइगर मिलते ही नहीं, वो क्या पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, समझ रहे हैं ना आप? तो बस इसका मेन उद्देश्य है प्रोमोट इट, ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू सेव टाइगर, बस मतलब। बांघों को बचाने के लिए ये कैंपेन कंडक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड स्तर पे, बस इतना याद रखना है इसमें। और इसके जो है ओनली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, इसके जो है मेंबर्स हैं कुछ, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार है, नेपाल है, वियतनाम है, और इनमें एक जो है बिसाइड्स नॉन टाइगर रेंज कंट्री भी है UK, जहाँ पे टाइगर नहीं है बट ये इसका मेंबर है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था? नई दिल्ली में था। क्यों बनाया गया है? प्रमोट ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू सेव द टाइगर, बस, और नाम से ही पता है ग्लोबल टाइगर फोरम है। 13 देश जो है इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट जो है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के सहयोग से इस कार्यक्रम को वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था, याद रखना है आपको,
वर्ष 2008 ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में शुरू हुआ था ये, और इस कार्यक्रम को जो ना जो 13 टाइगर रेंज वाले जो देश हैं अभी जो बताए थे उनमें जो है क्रियान्वित किया गया था, उनमें इसका एनफोर्समेंट हुआ था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का जो है। ठीक है, चलो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक ये है आपका ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। अब ये क्या है, नाम में लिखा है रिकवरी, मतलब जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम मतलब टाइगर की जनसंख्या जो था ना, आपको पता है एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो 70% जनसंख्या इसकी साफ हो गई है। अब 70% जो जनसंख्या साफ हुई है उसको भैया हमें रिकवर तो करना पड़ेगा, हमें उसको रिकवर तो करना पड़ेगा, तो उसको रिकवर करने के लिए ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया गया था। कहाँ कहाँ पे भैया, वहीं तो जहाँ पे मिलते हैं टाइगर आपके 13 एशियन टाइगर रेंज कंट्री में। इसका उद्देश्य क्या था कि हमें टाइगर्स की जनसंख्या को दोगुना करना है। कितना करना है? दोगुना। जो पता है आपको, पीछे बता चुका हूं कि ये लक्ष्य हमने 2018 में ही प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये जो लक्ष्य था ये था 2022 तक, हमें 2022 तक गांवों की संख्या को दोगुना करना है, बट हमने 2022 से पहले ही 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम जो है टाइगर की संख्या को दोगुना करने से संबंधित है, टाइगर की संख्या को दोगुना करने से संबंधित है बस। अब ये इसका जो है फॉर्मूला था T into 2 जो है वही है, T into 2 कहीं एग्जाम में आ जाए तो क्या है, टी मीन्स टाइगर T into 2 दोगुना, दोगुने टाइगर करने हैं हमें, बस इतना ही रखना याद इसके बारे में, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें से जो है एक दो चीजें और हैं, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुआ था, बस एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया, और ये रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है, ये फंडिंग प्रोवाइड कराता है। इसका उद्देश्य क्या है, एशिया में बाघों को जंगलों में संरक्षित करना, जहां पे वे हैं वहीं पे इनको संरक्षित करना है, और उनको उनके प्राकृतिक आवास उनके घरों में ही बचाना है। और ये जो है जो इंडिया के आसपास के 6 देश हैं वहां पे जो है ये हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और म्यांमार में 12 परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। सहायता किस तरह की, इनको ये फंड प्रोवाइड करवा रहा है, पैसे दे रहा है इनको ये। और ये जो है ग्लोबल टाइगर जो रिकवरी प्रोग्राम है उसमें भी योगदान दे रहा है, जिसका लक्ष्य था वर्ष 2022 तक संख्या दोगुनी करने का, बाघों की संख्या दोगुनी करने का। तो ठीक है, आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है IUCN को अच्छे से देखा, जाना उसके बारे में समझा, और आपका जो था प्रोजेक्ट टाइगर उसको देखा, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है शुरू करेंगे कंजर्वेशन वाले पैटर्न में आपका जो है नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क में मिलने वाली स्पीसीज, और उनका ऐसे नहीं बिल्कुल प्रॉपर फोटो देख के अपने रिश्तेदार की तरह उनको जो है ट्रीट करना है हम लोगों को, और उनका IUCN कैटेगरी रेड डेटा बुक के अनुसार उनका स्टेटस क्या है, उनका स्टेटस क्या है वहां पे जो भी फ्लोरा फोना मिल रहा है उनका स्टेटस क्या है, उस हिसाब से उनको देखना है, याद करना है, समझना है लोकेशन वाइज, और पढ़ेंगे कल जो है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तो तब तक के लिए बाय।